Hi everyone, and please welcome to the platform of Trida Legal Star, that too with GST and taxation. As this is the platform, 9:30 PM, ICOM live, and that too we provide each and important information that too जो GST के concern में recent updates, tremendously recent updates चल रहे हैं, उसके concern में updates दिए जाते हैं daily too on a regular note. तो अगर आप इस platform से satisfied हो, if you feel like convenient, तो आप इसके लिए मल्टीपल ऑफ द टाइम एनरोलमेंट ले सकते हैं. अगर आपका सब्सक्रिप्शन ओवर हो रहा है तो आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप रीसब्सक्राइब कर लीजिएगा. आज के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रॉस्पेक्ट्स है, मेजरली मैं 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन यहाँ पे करूँगी. इन अ शॉर्ट गो आपको 5 लेटेस्ट GST के कंसर्न में जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में अपडेट मिल जाएगा. हालांकि एवरी डे नोट पे 2 अपडेट्स दिए जाते हैं, बट काफ़ी टाइम से ये जो अपडेट्स आ रहे हैं वो क्रूशली इम्पॉर्टेंट है. दैट टू जैसे कि ये महीना चल रहा है अक्टूबर 2021 का, तो ये जो पीरियड है वो इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है, जिससे हम जो अपने रिटर्न्स की फाइलिंग इस महीने करेंगे वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में करी जा सके. सो इम्पॉर्टेंटली आज मैं पहला जो टॉपिक उठाने वाली हूँ वो है एक एडवाइजरी का, जो GST पोर्टल पर एनेबल कर दी गई है बाय द GSTIN डिपार्टमेंट. एज ऑन आप देख पा रहे होंगे ऑन टू द पोर्टल, अगर आपको दिख रहा है, ये एडवाइजरी आई थी 4/10/2021 को, एंड दैट टू इसके बारे में बोला गया था रिजेम्पशन ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल्स जनरेशन फैसिलिटी. तो ये बात क्या करता है, इन अ शॉर्ट गो मैं आपको क्लियर करती हूँ. जब कोविड की पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही थी तो डिपार्टमेंट ने ये अनाउंसमेंट दे दिया था कि भाई ई वे बिल जनरेट जो होता है उसकी ब्लॉकिंग हम नहीं करेंगे अगर आप टैक्स पीरियड में अपने टैक्स के रिटर्न की फाइलिंग टाइमली बेसिस पे कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. बहुत से ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने मल्टीपल ऑफ द टैक्स पीरियड तक कंसेक्यूटिवली 2 से 3 टैक्स पीरियड तक अपने रिटर्न की फाइलिंग नहीं की थी, तो ऑन अ बेस ग्राउंड उनका ई वे बिल ब्लॉक कर दे रहा था GSTIN डिपार्टमेंट. फिर आई कोविड की सिचुएशन, पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए ई वे बिल ब्लॉकिंग की जो प्रॉस्पेक्ट्स लेकर आया था डिपार्टमेंट, उसने उसको शट किया और बोला कि भाई अगर आप अपने रिटर्न की फाइलिंग टाइमली बेसिस पे नहीं कर पा रहे हैं तब भी हम आपका ई वे बिल ब्लॉकिंग नहीं करेंगे. तो रिजेम्पशन हो चुका है वापस से, अब से आपका ई वे बिल फिर से ब्लॉक होगा. एंड दैट टू अगर आपने अपना GSTR 3B का फाइलिंग, अगर आप रेगुलर कैटेगरी वाले हो, ठीक है, मतलब आपने खुद को एनरोल किया एज अ रेगुलर टैक्स पेयर, और अगर आपने क्वार्टरली फाइलर हो, मतलब CMP 08 की फाइलिंग करते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे फाइलिंग करते हैं संविधान में जो रजिस्टर्ड है, अगर इन दोनों ही टैक्स पेयर्स ने 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक अपने रिटर्न्स की फाइलिंग नहीं कर रखी है, रिपीटिंग, अक्टूबर का महीना चल रहा है और नहीं कर रखी है, मतलब अगस्त की भी नहीं करी है और सितंबर की भी नहीं करी है, तो उन टैक्स पेयर्स के लिए आने वाला वक्त होने वाला है प्रॉब्लमैटिक. ये जो महीना चल रहा है ये एक हाईली क्रूशियल पीरियड है. क्यों है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. तो अगर इन ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड के अपने रिटर्न की फाइलिंग कंप्लाई नहीं कर रखी है तो उनके लिए ब्लॉकिंग होने शुरू हो गई है, ई वे बिल हो रहे हैं फिर से ब्लॉक. रिपीट करूंगी बस एक इंपॉर्टेंट सी लाइन को, यहाँ पे रूल 138E A and B के अंतर्गत बता दिया गया है कि भैया टैक्स पेयर अगर आप GSTR 3B का फाइलिंग और CMP 08 की फाइलिंग कंसेक्यूटिवली 2 टैक्स पीरियड तक नहीं करी तो अब से आपका ई वे बिल ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो अपडेट आया है वो लेटेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर नहीं करिए तो टाइमली बेसिस पे जाके फाइल कर लो. लेट फीस लग रही है तो उसको लेट फीस को पे ऑफ कर दो, कोई इंटरेस्ट लगा है तो इंटरेस्ट को पे ऑफ करके अपने रिटर्न्स की फाइलिंग को एक्टिवेट कर ले. मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट, वो मैं वापस से आपको होम स्क्रीन पे लेके जा रही हूँ. ये आपको बताएगा रिगार्डिंग द ड्यू डेट. अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी आप रिटर्न्स की फाइलिंग करो तो आपको 2 बातों का ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट रखना है, अपने GSTR 1 के कंसर्न में भी और 3B के कंसर्न में भी. GSTR 1 की फाइलिंग जब आप करते हो तो उसकी जो ड्यू डेट दी गई है वो है 11 तारीख. तो सबसे पहले आप अपने GSTR 1 की फाइलिंग को कंप्लाई करें. 11 तारीख को जैसे ही फाइल करोगे तो आपका जो डेटा है वो 2A में और 2B में हाईलाइट होके आएगा, और जिसकी वजह से आपका सिस्टम जनरेटेड 3B रेडी हो पाएगा, ऑटो पॉपुलेट होके डेटा आ जाएगा,
जिसमें किसी भी तरीके का कोई डिफरेंसिएशन कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर ये समझिए, अगर आपने GSTR 1 की फाइलिंग टाइमली बेसिस पे नहीं करी तो आपका 3B के अंदर ITC क्लेम करने के लिए दिक्कत आ सकती है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि अपने रिटर्न्स की फाइलिंग ड्यू डेट और टाइमली बेसिस पे करें। अब जैसे कि एक बात डिस्कस करी थी अपने प्रीवियस वीडियो में, लाइव सेशन में मैंने बताया था कि ये जो अक्टूबर 2021 है इसके अंतर्गत आपने अगर फाइनेंशियल पीरियड 2021 का ITC क्लेम करना है या किसी भी पीरियड का फाइनेंशियल पीरियड 2021 के अंतर्गत आपको किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट करना है किसी भी टैक्स पीरियड का, तो वो सारा एडजस्टमेंट आप इसी बार कर पाओगे, इसके बाद एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाएगी। आई एम रिपीटिंग, अगर आपको ITC क्लेम करना है फॉर द फाइनेंशियल पीरियड 2021 तो वो सिर्फ आप तभी कर पाओगे अगर आप जब GSTR 3B की फाइलिंग करने वाले हैं 20 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। अगर क्वार्टरली फाइलर हो तो इसकी जो ड्यू डेट है वो 22 तारीख है और 24 तारीख है। इम्पोर्टेंटली, अगर इससे एक दिन भी ऊपर हुआ तो आप अपना ITC नहीं ले पाओगे। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे कि उनको एक स्पेसिफाइड, हमें सभी को पता है कि एक स्पेसिफाइड डे निर्धारित कर दिया गया था कि भाई अब से आपका रिवोकेशन एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग या कैंसिलेशन एप्लीकेशन की एक स्पेसिफाइड डेट है, उसके बाद शट हो जाएगा। और ऐसा हुआ, उस एक दिन का एक्सटेंशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपने सोचा कि 20 अक्टूबर की रिटर्न है, चलो 21 को भर लेते हैं, ऐसा गलती मत कीजिएगा। आप ITC अगर बनती है तो आप उसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। एडजस्टमेंट हो सकता है कि भाई अगर आपने कोई इन्वॉइसेस नहीं चढ़ाए, आप भूल गए हो प्रीवियस स्पेसिफाइड टैक्स पीरियड में, तो आगे जाके आप उसे चढ़ा लोगे। आपके पास अभी एक और ऑप्शन अनेबल्ड है, भाई आप एनुअल रिटर्न की फाइलिंग जब 9 और 9C की फाइलिंग करोगे उस समय एडजस्टमेंट्स एप्लीकेबल है, पर वहां पे जाके आप ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो रिकंसिलेशन करना, रिकंसिलेशन करने के बाद ITC को ध्यान से समझना और उसके अकॉर्डिंग ही अपने रिटर्न्स की फाइलिंग करना आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी हो जाता है। एम आई क्लियर विद द टू इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट्स? अगर मैं क्लियर हूं तो प्लीज चैट बॉक्स में येस और नो करके रिप्लाई कर दीजिए so that I can move towards my third latest update. I'm waiting for the reply, guys, please. Please be quick, guys. So moving towards the third important prospect is that, कि भाई देखिए, एक important rule के अंतर्गत, rule 138E के 6 के अंतर्गत, rule 59(6) के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी और आई थी कि अब से अगर आपने एक टैक्स पीरियड तक का कंसेक्यूटिवली 1 टैक्स पीरियड का अपना रिटर्न का फाइलिंग नहीं किया है तो आपका GSTR 1 हो जाएगा ब्लॉक। ईवे बिल के कंसर्न में आ गई है कि भैया 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक ही अपने रिटर्न्स की फाइलिंग नहीं की तो आपका ईवे बिल ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। और GSTR 1 के कंसर्न में भी ये बात कह दी गई है कि अगर आपने कंसेक्यूटिवली 1 टैक्स पीरियड तक अपने रिटर्न्स की फाइलिंग नहीं करी है तो आपका GSTR 1 होना ही ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये एप्लीकेबिलिटी शो ही नहीं होगी, GSTR 1 आपका हो जाएगा ब्लॉक, आप इसके लिए फाइल नहीं कर पाओगे रिटर्न। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, एक इंपॉर्टेंट और बात, जब भी हम GSTR 3B का फाइलिंग करते हैं तो उसके अंदर एक कॉलम आता है लेट फीस एंड इंटरेस्ट का, तो उसके अंदर एक चेंज आ गया है जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहूंगी बिकॉज इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं आपको एक डैशबोर्ड पर लेके चल रही हूँ, लॉग इन कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स की डिटेल, जिसके अंतर्गत आपको समझ में एग्जैक्टली आ जाएगा कि अब से किस ग्राउंड पे या किस बेसिस पे आपकी लेट फीस और इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है। हियर इज द डैशबोर्ड ऑफ माय क्लाइंट। तो इसके अंदर अब आप देख पा रहे हैं, जब आप रिटर्न्स पे जाते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि मैं उठाती हूँ अक्टूबर का महीना, ठीक है, अक्टूबर पे हमने क्लिक किया है और हमें यहाँ पे फाइल करना है अपना GSTR 3B। तो ये अभी नहीं आया है तो हम किसी और को उठा लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने अगस्त का महीना उठाया, यू विल फाइंड हियर कि इट्स ऑलरेडी बीइंग फाइल्ड। जब से अभी आप GSTR 3B का फाइलिंग अब से करोगे, ठीक है, तो ये जो कॉलम है आपका इंटरेस्ट इन लेट फीस का फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड, इसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर एनेबल कर दिया गया है, व्यू योर टर्नओवर। अब से जो आपकी लेट फीस और इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी वो कैलकुलेट होके आएगी ऑन द बेसिस ऑफ योर टर्नओवर।
अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे देख लिया है कि ये अगस्त का महीना है, ठीक है, तो जुलाई के कंसर्न में लेट फीस आपकी कैसे कैलकुलेट होकर आएगी, ये आपकी चेक करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ योर टर्नओवर। टर्नओवर इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर आपका कैसा है, उस बेसिस पे ही आपकी लेट फीस लगेगी। वो लेट फीस की कीपिंग होगी एक स्पेसिफाइड प्रोस्पेक्ट से। मतलब समझिएगा, अगर आपका टर्नओवर इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल पीरियड निल है, पूरे साल किसी भी तरीके की आपने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं करी है, निल गया है GSTIN, आपका टर्नओवर निल जा रहा है, तो उस केस में अगर आप रिटर्न की फाइलिंग लेट करते हो तो आप पे 500 रुपीज चार्जेबिलिटी बैठती है, 250 रुपये CGST, 250 रुपये SGST। अगर आपका टर्नओवर इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1.5 करोड़ से 1.5 करोड़ तक का है, तो वहां पे आपको 1,000 रुपये लगेगा, 500 रुपये CGST, 500 रुपये SGST। 5 करोड़ तक की 5,000 है, 2,500 CGST, 2,500 SGST। और इन केस अगर 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर पहुंच जाता है, देन एंड इन दैट केस आप पे 10,000 तक की लेट फीस लगाई जा सकती है बाय द GSTIN डिपार्टमेंट। तो होपफुली आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि एक तरीके से आपका जो लेट फीस और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगा। मैंने यहाँ पे अभी तक 4 इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है। नंबर वन वॉज कि भाई आपका ईवे बिल हो जाएगा ब्लॉक अगर 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक आपने GSTR 3B का फाइलिंग नहीं किया है, चाहे अगर आप कॉम्पोजिशन कैटेगरी वाले हो तो CMP 08, और रेगुलर वाले हो तो आपका GSTR 3B इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट इज आपका GSTR 1B होगा ब्लॉक अगर 1 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक आपने रिटर्न की फाइलिंग नहीं करी है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट इज लाइक योर ITC, अब जो ITC क्लेम करना है और अगर आपने अपने रिटर्न की फाइलिंग टाइमली ड्यू डेट के बेसिस पे नहीं करी, तो आप आज के बाद फिर कभी नहीं क्लेम कर पाओगे। अगर आपका वो ITC क्लेम करने की वैलिडेशन पीरियड आपका फाइनेंशियल पीरियड 2021 का है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने फोर्थ प्रॉस्पेक्ट जो अभी आपको डिस्कस करके बताया इंटरेस्ट एंड लेट फीस के कंसर्न में, इंटरेस्ट एंड लेट फीस इन कंसर्न विद GSTR 3B, वो आपकी एज पर योर टर्नओवर ही कैलकुलेट करके दी जाएगी। कैलकुलेशन जब लेट फीस और इंटरेस्ट का होगा तो सबसे पहले बंदा जो GSTIN डिपार्टमेंट देखेगा वो देखेगा कि आपका पिछले साल का टर्नओवर क्या है, ठीक है। तो आपको हर एक प्रोस्पेक्ट में रेडी रहना है। अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग हम सभी को पता है GSTR 1 के लिए कोई लेट फीस लग नहीं रही है, बट इन फ्यूचर अगर GSTR 1 के कंसर्न में भी लेट फीस का प्रोस्पेक्ट आ गया तो भी आपको ध्यान रखना है कि इसी प्रोस्पेक्ट पे, इसी ग्राउंड पे, इसी बेसिस पे आपके टर्नओवर को देखते हुए, उसे एनालाइज करते हुए ही आपका GSTR 1 की लेट फीस और इंटरेस्ट लगेगा। लगेगा तब अगर आएगा तो, कंडीशन इज अप्लाइड ओवर हियर। मूविंग टूवर्ड्स लास्ट प्रोस्पेक्ट, अच्छा एक चीज और, लास्ट प्रोस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी भी अपने क्लाइंट का पोर्टल लॉगिन करते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं और उसके बाद जैसे ही एनरोलमेंट करते हैं लॉगिन का, तो वहां पे आपको एक चीज दिखती होगी, आधार ऑथेंटिकेशन। तो अक्सर क्या होता है, आधार ऑथेंटिकेशन को हम लोग हमेशा क्लिक कर देते हैं रिमाइंड मी लेटर, ठीक है, रिमाइंड मी लेटर करके उसको फॉरगॉन कर देते हैं। पर ऐसा अब से आपको नहीं करना। अगर ऐसा आपने किया है तो उसे प्लीज रिकरेक्ट जाके कर लीजिए, अपना आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करा लीजिए, वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लीजिए। रीजन बिहाइंड दैट इज अगर आप ऐसा नहीं करते हो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक तो आप ITC क्लेम नहीं कर पाओगे, यू विल बार टू डू सो, ITC आप नहीं क्लेम कर पाओगे। अगर कोई आपका IGST का रिफंड है तो आप IGST रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे, और रिवोकेशन एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग, कैंसिलेशन एप्लीकेशन तक की भी फैसिलिटी जो है वो आपको नहीं दी जाएगी, इंस्टेड छीन ली जाएगी। तो शायद आपको ये सारे प्रोस्पेक्ट क्लियर हो गए होंगे। मेजरली मैंने आज 5 इंपॉर्टेंट सेशंस में इस 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। इम्पॉर्टेंटली ये सेशन शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा होगा। कल 9:30 बजे लाइव आऊंगी इम्पॉर्टेंटली विद 2 मेजर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। तो आपको ध्यान सबसे ज्यादा रखना है कि अपने रिटर्न की फाइलिंग, या आप अकाउंटेंट हो, प्रोफेशनल हो, टैक्स पेयर हो, तो अपने क्लाइंट्स के रिटर्न की फाइलिंग आपको ड्यू डेट तक या ड्यू डेट से पहले पहले ही करा लेनी है। आज के लिए बस इतना ही। कीप योर सेल्फ साउंड सेफ एंड हेल्दी गाइज। कल सेशन 9:30 PM होगा शार्प। आई वुड बी बिलीविंग कि आप सब सेशन को ज्वाइन करेंगे। 9:35 तक मैं इस सेशन को एक्टिवेट कर देती हूँ। इफ देयर इज नो ज्वाइनिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स या लेट ज्वाइनिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स होता है तो उनको रिकॉर्डेड सेशन और रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो उस रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस को जरूर देख लें, अपने दिए हुए पैसे को एटलीस्ट यूटिलाइज आप करें। तो बस इतना ही। Keep yourself safe, sound, and healthy. Till then, bye-bye. Thank you so much.